नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन रविवार को 11वें दिन भी जारी है। अब बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी किसानों के समर्थन में आगे आए हैं। रविवार को बॉक्सर विजेंद्र सिंह सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे और कहा कि अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो वो अपना खेल रत्न पुरस्कार लौटा देंगे। आपको बता दें, रविवार को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जारी प्रदर्शन में पहुंचे विजेंद्र सिंह ने कहा, अगर सरकार काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो मैं अपना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वापस कर दूंगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। हरियाणा वाले ने राम राम भाई, यूपी वाले ने राम राम, जितने भी बाहर से राजस्थान से लोग आए हैं सबको राम राम। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमन गेम्स मेडलिस्ट, दुनिया के जितने भी मेडल हैं सबके सब जीत चुका हूँ। यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है। हमारा बड़ा भाई पंजाब यहाँ पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत तो वैसे ही पहलवानों की धरती है, बहुत सारे पहलवानी सोनीपत की धरती ने पैदा किए हैं। और खिलाड़ी होने के नाते, जैसे हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने मेरे कटिंग देखी, उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है, तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। आपको बता दें, देश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वहीं से पहले शनिवार को पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ भी किसानों के आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा था, मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि मुद्दों को ना भटकाया जाए, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सरकार से भी गुजारिश है कि हमारे किसान भाइयों की मांगों को मान ले। दिलजीत ने कहा कि यहाँ सब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, कोई खून खराबा नहीं हो रहा। आपको बता दें कि पंजाब के कई पूर्व खिलाड़ी किसानों के समर्थन में अपने पुरस्कार लौटाने के लिए राष्ट्रपति भवन जाने की भी तैयारी में हैं। वहीं से पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने भी अपने पद्म पुरस्कार को वापस करने का ऐलान किया था और तभी से पुरस्कार लौटाने का ये सिलसिला जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।